घर बनाऊंगा के सेट पर, जहां पर आकाश बन गए हैं E24 के रिपोर्टर और ले रहे हैं पूनम का इंटरव्यू। हाय, मैं हूं रिपोर्टर राहुल शर्मा एक घर बनाऊंगा से, और आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं पूनम जी का, यानी कि इशिता दत्ता जी का। तो इशिता जी, मैं जानना चाहूंगा, एक साल कंप्लीट होने को है और उसके साथ शो भी कंप्लीट होने को है, एक साल दो महीने का सफर आपका कैसा रहा? बहुत ही प्यारा रहा। अभी भी याद है पहला दिन जब हम शूट करने के लिए आए थे, फ्रॉम मॉक शूट से लखनऊ का जो सफर हमारा शुरू हुआ था। लखनऊ से आने के बाद, जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि एक परिवार सा बन गया, सारे क्वार्टर्स के साथ, प्रोडक्शन के साथ, डायरेक्शन टीम, फ्रॉम क्रिएटिव टू एवरीबॉडी। सो इतना कुछ हुआ है एक साल दो महीने में, बट सच कहूँ तो लगता नहीं कि इतना टाइम बीत गया है। तो सबसे अच्छा शूट आपने कहाँ किया, मतलब इस शो का सबसे यादगार सीक्वेंस? सबसे यादगार सीक्वेंस जो 10-15 दिन हमने लखनऊ में शूट किया था, दैट वॉज द बेस्ट, बिकॉज वो एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट था जब सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, एक केमिस्ट्री जो डेवलप करनी थी, स्पेशली फॉर मी, मेरे पापा और माँ के साथ जो रिलेशन दिखाया था उसको डेवलप करना बहुत जरूरी था। वो तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मैंने इशिता दत्ता जी को जो है थोड़ा जाना था कि वो क्या है। अब आप बताइए, आपका सबसे यादगार मोमेंट और किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करने वाले हैं यहाँ पर? सबसे ज्यादा मिस तो देखिए, मैं नो डाउट आप ही को करने वाला हूँ सबसे प्यारी चीज, क्योंकि कारण यह है कि 14 घंटे इन्हीं को झेलना तो हमें मिस करने वाला है ना। हाँ। तो हमारे लिए एक रोमांटिक सा डायलॉग बोलिए, जाते जाते एक रोमांटिक डायलॉग तो बनता है, पता नहीं कब मौका मिलेगा साथ काम करने का। इशिता, आई वॉन्ट टू से दैट आपकी जो फ्रेंडशिप रही मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है, और हमारी क्लोजनेस को लोगों ने बहुत सारे नाम भी दिए हैं। दोस्ती एक बहुत अच्छा नाम है, और दोस्ती के बिना पर मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी चीज़, जो 3 मैजिकल वर्ड्स आई गेस मेरे ख्याल से आजकल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या प्रेमी प्रेमिका के बीच में होते हैं, पर मैं कहना चाहूँगा कि आई लव यू सो मच। एंड तो चलिए, हमारा जो है अब जाने का समय आ गया है, तो सबसे पहले तो हम दोनों की तरफ से, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको थैंक यू सो मच, आपने हमारा इतना साथ दिया और इतने टाइम तक हमको जो है अप्रिशिएट किया, हमारे काम को अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच, और तहे दिल से शुक्रिया।